एस्ट्रो मीट शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिथुन राशि जून 2023 कैसा रहेगा, मासिक राशि फल, इसी की आज हम लोग बात करेंगे। जून के महीने में सूर्य 16 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो मिथुन राशि से गोचर करेंगे। बुध 8 जून को वृषभ राशि से गोचर करेंगे। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है, शुक्र और मंगल पूरे महीने आपके द्वितीय भाव कर्क राशि से गोचर करेंगे, केतु आपके पंचम भाव तुला राशि से गोचर करेंगे, शनि आपके नवम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से गोचर करेंगे, राहु बुध और गुरु आपके एकादश भाव आपके मेष राशि से गोचर करेंगे। इस तरह से आपका ग्रहों का जून के महीने में स्थिति था। सबसे पहले अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपके प्रथम भाव से देखा जाता है और प्रथम भाव के स्वामी बुध 8 जून को वो द्वादश भाव से गोचर करेंगे। 8 जून तक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन 8 जून के बाद और 22 जून तक के बीच में थोड़ी आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि वायरल फीवर, कोल्ड कफ, हेडेक इत्यादि आपके हो सकते हैं, अस्पताल के चक्कर ही लगाने पड़ सकते हैं। मैंने खर्च आपके बढ़ेंगे, बीमारियों पर आपके खर्च बढ़ेंगे। इस और आपका अगर संतान की बात करें तो पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ पूरे महीने, तो द्वितीय भाव तो अच्छा माना जाता है, इसलिए संतान से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मानसिक कोई आपको तनाव महसूस नहीं होगा उनके स्वास्थ्य उनके करियर को लेकर। लेकिन केतु बैठे हुए हैं, वो थोड़ा अड़चन डालेंगे, काम में विलंब करवा सकते हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल करें। अगर जो विद्यार्थी वर्ग हैं और शिक्षा की बात करें तो ये भी पंचम भाव से देखा जाता है, तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको पढ़ाई में मन लगेगी, पढ़ाई में उनका प्रोग्रेस होगा, सफलता मिलेगी, कोई एग्जाम दिए हैं तो अच्छे नंबर से पास करेंगे। लेकिन थोड़ा रोमांस की स्थिति बन सकती है, लव अफेयर्स भी इसी भाव से देखा जाता है, तो फीलिंग्स अच्छा होगी, रोमांस बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र और मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन कभी कभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच आपस में मतभेद हो सकते हैं, रिश्ते में खटास आ सकती है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपके सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी गुरु आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा, लाज पाठ 8 जून तक तो और अच्छा रहेगा और 22 जून के बाद भी अच्छा रहेगा, लेकिन 8 जून से 22 जून के बीच थोड़ी सी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि बुध आपके द्वादश भाव में जाएंगे। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य आपके नवम भाव से देखा जाता है और नवम भाव के स्वामी आपके नवम भाव से ही गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का तो पूरा साथ आपको मिलने वाला है, आप थोड़ा प्रयास करेंगे सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि आप पर मेहरबान है, भाग्य में आपका पूरा साथ मिलने वाला है।
जो काम आप चाहेंगे मेहनत करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है कि उसमें सफलता ना मिले। पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी, कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। अगर करियर की बात करें तो करियर दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी गुरु आपके एकादश भाव से पूरे महीने गोचर कर रहे हैं, तो करियर में आपकी अच्छा रहेगा, लेकिन राहु के साथ चंडाल दोष बना रहे हैं। फल मिलेगा लेकिन देर से थोड़ी मिलेगी, थोड़ी अड़चने आएंगे, क्योंकि भाग्य का तो साथ मिल रहा तो सफलता तो मिलनी है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि गुरु राहु के साथ चंडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं। अगर लाभ की बात करें, डिजायर की बात करें, बड़े भाई बहनों की बात करें तो एकादश भाव से देखा जाता है और एकादश भाव के स्वामी मंगल द्वितीय भाव से पूरे महीने गोचर कर रहे हैं। तो आपका लाभ कभी होगा अच्छा और कभी हो सकता है कि लाभ आपका ना हो, क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, जो अच्छा नहीं। मने काम बनेगा लेकिन रुक कर बनेगा, थोड़ी परिश्रम करवा कर आपको सफलता दिलवाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ी सी वाणी में पर ख्याल करेंगे, कोई ऐसा वचन ना बोले जिससे बड़े भाई बहनों के साथ आपकी मतभेद हो सके। कोई डिजायर है, कोई इच्छा है तो वो इच्छा भी आपकी प्राप्त हो होगी, लेकिन वही है कि थोड़ी विलंब से प्राप्त। अगर धन की बात करें तो धन आपके द्वितीय भाव से देखा जाता है और द्वितीय भाव के स्वामी हर सवा दो दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो धन का कभी आगमन होगा और कभी नहीं भी होगा, तो मन बेचैन होगा, वाणी फिसल सकती है, पेशेंस लूज हो सकते हैं। धन आएगा तब तक तो ठीक है, जब धन नहीं आएगा कुछ समय तो आप में व्याकुलता बढ़ेगी। अगर माता की बात करें, माता आपके चतुर्थ भाव से देखा जाता है और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं 8 जून तक, तो 8 जून तक माता का स्वास्थ्य आपको बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 8 जून के से 22 जून के बीच थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ख्याल करें। अगर कोई भूमि वाहन लेना चाहते हैं तो 8 जून से पहले लें या 22 जून के बाद। देखिए हरेक का जन्म कुंडली अलग अलग है और किसी अच्छे ज्योतिष से आप अपने कुंडली का विवेचन करवा कर ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये आपके चंद्र राशि पर आधारित है। गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है उससे एक सामूहिक आपका विवेचन किया जा रहा है। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उससे निजात पाने के लिए आप बुध के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें या गणेश जी को हर बुधवार को 2 लड्डू चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं और उगते हुए सूरज को जल दें और हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, जिससे आपकी जो भी परेशानियां हैं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। इस तरह से मिथुन राशि जून 2023 के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूं। कृपया आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा आप लाभान्वित हो सके। इसी के साथ मैं आपके वक्तव्य पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।